नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी शुक्ला इलेक्ट्रॉनिक साइंस एनटीए नेट एंड पीएसयूज के चैनल से आपको कुछ क्वेश्चंस कराने आई हूँ। देखिए, मुझे हर बार कमेंट सेक्शन में लिखा जाता है कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराइए, तो चलिए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा देती हूँ। ये मैंने अपने नोट्स ढूंढ रही थी तो कुछ मुझे नोट्स मिले जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो बाय चांस वो मेरे पास छोटे छोटे नोटबुक थी तो मैं आपको समझाती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको लिख लीजिए। और ये हर तरह के एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, क्योंकि यूजीसी नेट में भी एक क्वेश्चन डिजिटल, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसरो गेट यूजीसी नेट में रिपीट हुए हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में भी रिजोल्यूशन का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एन बिट ए टू डी कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनालॉग इनपुट वोल्टेज इन रेंज 0 to 5 volt to an accuracy of 10 millivolt. So what is the number of n? What is the number of bit? ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का मतलब क्या होता है? जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे, दैट मीन्स कैसे? फाइनाइट सैंपल्स इसमें कन्वर्ट करे। ठीक है, अब हमारे पास जो एनालॉग इनपुट है उसकी रेंज क्या दी है इसने? 0 to 5 volt. 0 to 5 volt का मतलब ये हुआ कि ये जो है सिग्नल आपका, ये है 0 to 5 volt, ये सिग्नल आपको दिया है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि एक्यूरेसी इसकी 10 मिली वोल्ट दी है, तो हमें नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं, मतलब एन निकालना है। अब इसमें आप देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये है आपका एन बिट ए टू डी कन्वर्टर है। तो पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो मिनिमम एनालॉग इनपुट वोल्टेज है, मतलब जो एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, ये तो रेंज दी है एनालॉग इनपुट वोल्टेज की और एक्यूरेसी दी है 10 मिली वोल्ट। इट मींस क्या है, जो मिनिमम एनालॉग इनपुट वोल्टेज की जो एक्यूरेट वैल्यू दी है, मतलब जिस एक्यूरेट वैल्यू तक ये मेजर हो सकता है, जो एक्यूरेसी दी है, एक्यूरेट जानते हैं ना, जो सही रीडिंग दे सके, बिल्कुल जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स आए, तो जो मिनिमम एनालॉग इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी दी है? 10 मिली वोल्ट। ओके, अब जो मैक्सिमम स्टेप साइज है, आपने पढ़ा है ना डिजिटल कम्युनिकेशन में स्टेप साइज, इसको क्या बोलते हैं? स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैंपल्स, डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट सैंपल्स, अगल बगल सैंपल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप साइज। देखिए, ये स्टेप साइज होगा ना, जैसे ये है, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? ये डेल्टा वन हो गया, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? डेल्टा टू है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम स्टेप साइज कितना दिया है? टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मिली, ये हमें मैक्सिमम स्टेप साइज हमें 10 मिली वोल्ट दिया है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए ये ए टू डी कन्वर्टर का, कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, दिस इज इक्वल टू स्टेप साइज इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप देखिए मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितनी दी है? 5 volt. स्टेप साइज भी मतलब वही होता है जो एक्यूरेट रीडिंग डिटरमाइन करे, इट इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी। तो इसीलिए हम इस एक्यूरेसी को स्टेप साइज कंसिडर करेंगे, कि जो मिनिमम नंबर, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जब हम इसको फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जो हम एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं, वो 10 मिली वोल्ट है, दैट मीन्स ये स्टेप साइज है। तो ये फॉर्मूला होता है, मैं दूसरा भी मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, दिस इज इक्वल टू स्टेप साइज इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट, और स्टेप साइज कितना है? 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर n माइनस 1। इसके लिए आप थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मैं अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रही हूँ और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, देखिए एक क्या होता है, एक आपका फॉर्मूला होता है डैक के केस में, जैसे ये तो ए टू डी कन्वर्टर था, जैसे आपका, मैं इस इधर से ही बता देती हूँ रफ में, कि ये इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, जैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डैक है, तो इसमें जो स्टेप साइज निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ, जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, अपॉन जो एल एस बी रेजिस्टेंस होता है, इंटू जो डिजिटल इनपुट होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब जैसे इसमें क्या दिया है, जैसे कि इसने बोला है ना, देखिए
जैसे इसने ये बोला है कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इनपुट्स. अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा नंबर ऑफ स्टेप्स. अभी तो देखिए मैं क्वेश्चन ही करवा रही हूँ. देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10^-2 इंटू 2^-1. यही होगा. मैं इसको अब अगेन कैसे लिख सकती हूँ, 5/10-2, ठीक है, एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 2^n हो जाएगा. ओके, विच इम्प्लाइज मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 500 ये ऊपर जाएगा तो 501 यही होगा इज इक्वल टू 2^n हो जाएगा. अब n की नियर अबाउट वैल्यू कितनी होगी, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी मत कर देखिए. जो n होगा इट विल बी लॉग बेस टू 501. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट कितना आएगा, लॉग बेस टू 2^9. 2^9 कितना होता है बच्चों, 2^9 होता है 512, क्योंकि 2^8 कितना होता है, 128 होता है ना. 2^7 128 होता है, सॉरी 2^8 256 होता है. तो यानी कि 256 को जब 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 512. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नियर अबाउट, विच इम्प्लाइज n की वैल्यू 9 आएगी. तो n इज इक्वल टू 9 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन क्या पूछा है, n पूछा है, n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर सैंपल इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एनालॉग इनपुट की मैक्सिमम रेंज 5 वोल्ट दी है, इसलिए मैक्सिमम वोल्टेज इसका कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट. उसके बाद आप इसमें देखिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो ये चढ़ेगा उसका ये फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का, 2^n-1, इसीलिए मैंने ये लिखा है. तो n इज इक्वल टू 9 ये क्वेश्चन आया है. तो आप लोग बहुत पीछे पड़े थे तो मैंने काफ़ी इधर उधर करके अपने नोट सर्च किए, तो कहीं से मुझे कुछ ये कंटेंट मिला है जो मैं भूल गई थी, तो मैंने आज देखा तो ये मुझे मिला. सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. रिजोल्यूशन ऑफ ए 12-bit A to D कन्वर्टर इज, देखिए 12-bit A to D कन्वर्टर क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अच्छा रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए रिजोल्यूशन जो होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. एक तो ये क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड टू द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन बी रिजॉल्व्ड यूजुअली विद ए टू डी. या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि रिजोल्यूशन की मीनिंग क्या हुई, तो किसी भी ए टू डी कन्वर्टर की जो रिजोल्यूशन होती है इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन इनपुट सिग्नल. मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना रिजोल्यूशन क्या होता है, smallest change in the value of an input signal that changes the value of that changes the value of, ठीक है, कोई भी आपका इनपुट सिग्नल होगा, मान लीजिए वो एनालॉग ही है, तो उसमें कितना स्मॉलेस्ट चेंज रखें दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द डिजिटल आउटपुट बाय वन काउंट. दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ डिजिटल आउटपुट बाय वन काउंट. ओके, अब आप इसमें देखिए फॉर एन आइडियल ए टू डी कन्वर्टर जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो स्टेयर केस होता है विद स्टेप विड्थ इक्वल टू द रिजोल्यूशन. ऐसे होता है ना ये, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया इसको मैं क्या बोलूंगी, ट्रांसफर फंक्शन. जो ए टू डी जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ए टू डी कन्वर्टर का, आइडियली वो क्या होता है, स्टेयर केस होता है. क्या होता है, एक स्टेयर केस होता है विद अ स्टेप विड्थ इक्वल टू रिजोल्यूशन, विद अ स्टेप विड्थ इक्वल टू रिजोल्यूशन. मैं इस रिजोल्यूशन को आर से डिनोट कर रही हूँ. तो ये जो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप नोट कर लीजिए. परसेंटेज जो हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज रिजोल्यूशन पूछा गया है एक तरह से. तो मेनली जो परसेंटेज रिजोल्यूशन है दिस इज इक्वल टू 1/2^n-1. तभी तो हमने जब देखिए पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लिया है, 2^n-1, क्योंकि जो आपका ए टू डी कन्वर्टर का आइडियल ट्रांसफर फंक्शन आता है वो स्टेयर केस होता है, सीढ़ी नुमा होता है ना इस तरीके से. तो यही इनके दोनों सीढ़ियों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो स्टेप्स होंगे. तो 2^n-1 को हम उसको काउंट करते हैं. यहाँ पे मैं इसको, ये तो परसेंटेज आर हो गया, अगर हमें रिजोल्यूशन निकालना है तो हो जाएगा 1/2^12-1 इंटू 100, यही होगा ना. अब आप इसमें सॉल्व कीजिए, 2^9 तो आपको पता था 512 होता है,
एंड 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 512 इंटू 8 कीजिए 12, 8 जा 96 एंड 8 5 जा 40, तो कितना हो जाएगा 1/4096 माइनस 1 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कुछ 1/4095 इंटू 100 आएगा। इसको आप फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूँगी तो कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये अभी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, जिसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। मैं छोटे छोटे नोट्स अपने कॉलेज टाइम में बनाती रहती थी, जैसे पढ़ाते वक्त टाइम मिल गया, तो यही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनोवेटेड रजिस्टर डैक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको ऐसा है, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। ये है ना आपका, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ, ये इस तरीके से होगा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, आगे हम और देखेंगे जो मुझे मिलते रहेंगे। इन अ वेटेड रजिस्टर डैक विद 8 बिट इनपुट, आपके पास एमएसबी रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम है, और एलएसबी रेजिस्टेंस हमें निकालना है। वेटेड रजिस्टर का डायग्राम आप देखिएगा बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है आर एलएसबी इज इक्वल टू आर एमएसबी इंटू 2 टू द पावर एन, यहाँ पे माइनस वन पावर में आएगा ये। अब आप देखिए MSB का रेजिस्टेंस कितना है, ये है 2K, और 2 टू द पावर n इज इक्वल टू कितना है आपका, n इज इक्वल टू 8 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2K इंटू 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, तो 2K इंटू 128 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 जा 16 1 12 2 जा 24 256 K। तो यानी कि कहने का मतलब है आपके पास MSB रेजिस्टेंस 2K है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 128 इंटू 2K। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज दी हुई है, तो मैं इस हिसाब से निकाल रही हूँ। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी मैं क्या करती हूँ, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है आपका वेटेड रजिस्टर डैक का। तो आज आपने वेटेड रजिस्टर डैक पढ़ा है, और एक क्वेश्चन आपने किसका किया है, ए टू डी का एक क्वेश्चन करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, ये क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं होगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, आप मैं कौन सा मार्कर यूज़ करूँ, चलिए रेड यूज़ करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे कास्केड में दो फ्लिप फ्लॉप्स लगाए हैं, डी वन है तो क्यू वन है, यहाँ पे डी नॉट है तो इसका आउटपुट क्यू नॉट है। अब आप खुद देखिए, मतलब ये तो फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे आपने क्लॉक पल्स लगाई है, अब यहाँ पे ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, यहाँ पे क्या जा रहा है, जब ये क्यू नॉट है तो डी वन किसको प्रोसीड कर रहा है, क्यू नॉट को, तो यहाँ पे इसको जो आउटपुट मिलेगा वो क्यू नॉट मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये सही नहीं मार्कर है, मैं इसमें ये लगा देती हूँ, क्यू नॉट मिलेगा। अब आप देखिए सिमिलरली यहाँ पे इसको ये क्यू वन जा रहा है तो क्यू वन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बार क्यू नॉट प्लस क्यू वन, जो कि किस में जाएगा, डी नॉट में जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, आपने डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी कि डी फ्लिप फ्लॉप इज द डिले फ्लिप फ्लॉप। ओके, जब आप यहाँ पे डी में जीरो इनपुट डालते हैं तो आपको आउटपुट में जीरो मिलता है, जब वन डालते हैं तो वन मिलता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हम पहले इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसकी एक टेबल बनाते हैं, एम एस बी एल एस बी, यहाँ पे क्यू नॉट हो गया, और यहाँ पे हो गया बार ऑफ क्यू नॉट प्लस क्यू वन। ओके, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो Q1 है, ये जो जिसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये Q1 है, और ये LSB जो है ये Q0 है। ठीक है, और जो Q0 है यहाँ पे मुझे बार बार मार्कर चेंज करना ही पड़ेगा, कि जिससे आपको ये Q0 जो है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू D0, एंड Q1 किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू D1। ओके, और ये जो है Q0, ये Q0 किसके बाहर, D1 के अकॉर्डिंग इसको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि D1 का आउटपुट किस में जा रहा है, Q0 में जा रहा है, और जो NOR है ये किस में जा रहा है, Q D0 में जा रहा है, तो यहाँ ये D0 को मिलेगा। अब देखिए इनिशियली हम क्या करते हैं कि Q1 और Q0 को 0-0 रखते हैं, जब ये Q0 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 इस 0, इसका जब आप इन्वर्ट करेंगे, जब आप इसमें इसका बार लेंगे तो 1 आएगा ना, तो इट शुड बी 1। ठीक है, ये वन इसमें फीड हो गया, जब ये वन इसमें फीड होगा तो डी नॉट कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, अब आप देखिए
Q0 तो 0 ही था, तो D1 को डायरेक्टली क्या मिल गया, D1 को डायरेक्टली ये मिल गया 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब आप देखिए एक चीज देखिए, ये जो आपका, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो आउटपुट आ रहा है Q0 का D1 में, जो Q0 इज इक्वल टू D1 है, जो Q0 प्लस Q1 का बार है D0, ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि ये जो 0 है Q0 विद रिस्पेक्ट टू D1, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट में। यानी कि यहाँ पे आपका 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये जो आपका आउटपुट आ रहा है, मतलब मैं आपको बता भी देती हूँ, रुकिए, ये जो आपका आउटपुट आ रहा है ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्रीवियस आउटपुट पे। इट विल डिपेंड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। यानी कि दैट इज किस पर डिपेंड करेगा, Q1 Q0 पे, ठीक है। अब देखिए जब ये Q0 D1 की जो आउटपुट जा रहा है, Q0 में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे हो गया और ये वाला D0 में, तो ये यहाँ पे ये जो है आपका MSB LSB, जिसकी ये वैल्यूज, ये जो नीचे इनिशियली 0 0 थी, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 हो जाएगी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू D1 Q1 की 0 होगी, विद रिस्पेक्ट टू D0 Q0 की वैल्यू 1 होगी। तो डिपेंड्स अपॉन दी प्रीवियस आउटपुट, जो MSB LSB है ये किस पर डिपेंड करेंगे, मैं इधर लिख देती हूँ MSB एंड LSB, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये Q1 और Q0 है, इट विल डिपेंड अपॉन दी प्रीवियस आउटपुट, दैट इज प्रीवियस आउटपुट आपका क्या था, Q0 and bar Q0 plus Q1, यही होगा। अब आप इसमें देखिए अगेन, अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए दूसरे केस में, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करके लिखूँ, कैसे लिखूँ, अब मैं ठीक है मार्कर चेंज ही कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे Q0 की वैल्यू कितनी है, अब Q0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो है Q1 की 0 है। तो दूसरे केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसका बार 0, ये 0 किस में ट्रांसफर हो गया, D0 में, तो ये D0 है ना। तो अब ये यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और D1 इज रिलेटेड टू Q0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब अगेन ये वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला ना कि ये जो MSB LSB है दे डिपेंड ऑन द प्रीवियस आउटपुट, तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि 1 एंड 0 में ये, ठीक है। अब अगेन मैंने, अब यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है बताइए, D1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो गई, ये 1 हो जाएगी, और D0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है ना आपका ये जो 1 और 0 था, तो हाँ अब इसमें देखिए ये 1 और 0 था ना, अब हम इसमें क्या करेंगे कि Q0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब Q0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अब मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मैं भी जब समझती थी तो मुझे टाइम लगता था, इसीलिए आपको समझाने में टाइम लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए Q0 इज रिलेटेड टू D1, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, एंड बार, और ये जो Q1 की वैल्यू है, Q1 इज रिलेटेड टू, देखिए ना Q0 इज रिलेटेड टू D1, तो यहाँ पे Q0 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे ये जो ये वैल्यू आ रही है ना, तो ये 0 हो गई, और जो Q1 की वैल्यू है 1 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0, ये अगेन 1 बार हुआ और ये 0 हो जाएगा, ये अगेन इसमें ट्रांसफर होगा थर्ड टाइम पे, ये थर्ड टाइम पे है, ये सेकेंड टाइम पे है, और ये फर्स्ट टाइम पे है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 0 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए इसमें ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0 का बार, यानी कि 1 बार इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, 0 प्लस 1 का बार, यानी कि इतनी वैल्यू थी। अब आप अगेन देखिए, क्योंकि हमें क्या पता करना है, सीक्वेंस पता करना है ना, आई हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। अब ये वाला जो था ये अगेन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो Q0 इज रिलेटेड टू D1, यानी कि ये वाला एज इट इज प्रीवियस आउटपुट पे, देखिए D1 किस पर, D1 का जो प्रीवियस आउटपुट हो जाएगा वो क्या था, 0, ये इधर आ जाएगा, और जो Q0 इज रिलेटेड टू D0, इसका जो प्रीवियस आउटपुट है वो 0 है, तो ये हो गया ना। तो अगेन अब इसमें आप देखिए दोनों में 0 0 था, तो यहाँ पे आप देखिए कितना आएगा,
Q naught is related to D1. तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे अगेन Q naught की वैल्यू जीरो है ना, तो ये जीरो जाएगा और Q naught plus Q1 bar, जीरो plus जीरो का bar is जीरो bar is equal to one. तो that means आपके पास sequence क्या रहा, what how will you be, देखिए मैं इसमें mark को change कर देती हूँ. आपका sequence क्या रहा, आपका sequence ये रहा, ये पूरा आपका sequence रहा, this is your entire sequence. तो आपका sequence क्या आएगा, आपका sequence is जीरो जीरो, okay, जीरो वन, then वन जीरो एंड देन जीरो जीरो, ये जीरो जीरो. उसके बाद अगेन जब आप इसको निकालोगे, आप और सीक्वेंस देख लो, देखिए ये क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, अगर मैं इसको और निकालूं अच्छे से तो ये आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि अब ये जो प्रीवियस आउटपुट है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि Q नॉट इज रिलेटेड, ये जो D1 है, ये D1 इज रिलेटेड टू प्रीवियस D1, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो Q नॉट इज रिलेटेड टू प्रीवियस आउटपुट D नॉट विद रिस्पेक्ट टू D नॉट है ना, तो ये इसको रेफर, ये जो होगा ये आपका इसको रेफर करेगा और ये वाला इसको रेफर करेगा प्रीवियस में, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, फिर अब वन हो गई, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई इधर, जीरो. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये बता दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, पहले तो आप इसको खुद फॉलो कीजिए मैंने कैसे किया है, ठीक है. ये जो एम एस बी है, एल एस बी है, Q1, ये देखिए D1 और D0, हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि D0 जो है ये LSB है और जो मतलब Q0 के Q0 is related to D0 and Q1 is related to D1. तो हम जब Q1 निकालेंगे तो with respect to D1 निकालेंगे, तो ये MSB होगा ना, क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है तो हमने इसको माना, तो इसीलिए जो ये MSB LSB होंगे Q1 Q0, they will be depending on their previous output, that is Q naught. इनका previous output देखिए circuit के according क्या है, एक Q naught आ रहा है D1 का और दूसरा कौन सा आ रहा है, bar Q1 plus Q naught which is related to D naught. तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और फिर ये इसमें transfer हो जाता है D form में, तो आपका sequence ये आएगा. आप ये book देखिएगा, gate में ये question आया है, ये question ISRO में आया है और आजकल UGC net का भरोसा नहीं है, आज वो A to D DAC का question भी देता है, resolution से एक related question जरूर आता है, उसमें से steps निकालने को आते हैं, तो ये question मैंने आपको बता दिया है. अभी मैं digital electronics के और भी मेरे कुछ notes में important questions पढ़े हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे लाइक बटन आप लोग दबाते नहीं है, मेरे 107 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो 107 व्यूज़ आने चाहिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू.